यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। रांची में पारा शिक्षकों पर हुई बर्बरता पूर्वक पिटाई के विरोध में झामुमो की पलामू इकाई ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। इससे पहले झामुमो के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड स्थित अपने जिला कार्यालय से एक रैली निकाला, जो शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए छमुहान चौक पहुंचकर रैली एक नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान झामुमो के वक्ताओं ने राज्य की रघुवर सरकार की जमकर भर्त्सना करते हुए उसे गुंडों की सरकार बतलाया। साथ ही कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों को दबाना चाहती है, साथ ही शिक्षक व पत्रकारों पर लाठी चार्ज कर अपनी कायरता का परिचय दे रही है, जिसका झामुमो निंदा करती है। तबला दहन का कार्यक्रम है, कल जो हुआ है बर्बरतापूर्ण, पारा शिक्षक पर लाठी चार्ज हुआ है और वो भी झारखंड राज्यपाल के समीप हुआ ऐसा कांड, साथ ही साथ जो चौथी स्तंभ जो कहा जाता है पत्रकार मीडिया उनको ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया है, उसके विरोध में हम लोग आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये सरकार जो है अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है, ये समझ गई है सरकार कि हम 2019 में जाने वाले हैं, इसलिए इनकी मानसिकता खोखली हो गई है, वो आंदोलन का दबाने के काम कर रही है सरकार। एक तरफ यहाँ पर सरकार के द्वारा लाठी चार्ज कराया जा रहा है, उधर पूरे झारखंड सरकार वहाँ पर जश्न मनाने का काम कर रहा है, इसके विरोध में हम लोग आज पुतला दहन का कार्यक्रम। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष है, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार आपके सामने है, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय से हम लोग आज निकले हुए हैं और पूरा भ्रमण करते हुए छोड़ा पुतला दहन का।